नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरी दुनिया में हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। हर साल इस मौके पर अलग अलग थीम भी रखी जाती है। इसी थीम पर इसे मनाया जाता है। इस साल महिला दिवस की थीम थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट रखा गया है। इसी थीम पर दुनिया भर में इसका आयोजन किया गया था। हमारे शहर उल्लासनगर में भी अलग अलग जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वहीं हमारे न्यूज़ की एंकर अमृता भारती को भी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया गया। ले लेता है। मैं हूँ एक औरत, एक लड़की, एक माँ, एक बहन, एक बेटी, और मैं इस समाज में अकेली हूँ। क्या आप देंगे मेरा साथ? हमारी मीना मैडम, मैं कहूँगी हमारी बहन राशि और उसके बेटे के लिए। जैसे मंगला जी ने आपको बताया, जिंदगी की बहुत कठिनाइयों से आगे आई है हमारी बहन। हमने प्रैक्टिकल इनकी तकलीफ देखी है, मंगला जी की, हमने इनकी प्रैक्टिकल तकलीफ देखी है। ये लगभग डिप्रेशन में जा चुकी थी। अपनी मेहनत, अपने विल पावर से और आप जैसी बहनों की सपोर्ट से ये उस पीढ़ी से पार निकली है। तो मैं इतना दो शब्द कहूँगी हमारी बहन के लिए। राशि जी, आपकी जिंदगी की तकलीफ का दौर खत्म हो चुका है लगभग। आपको इतना अच्छा बेटा मिला है। आज इस बच्चे को देख के मुझे सचमुच आंखों में आंसू आ गए थे। जब ये बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड से निकली है, तो ये बच्चे को मैं इतना कहूँगी, बेटा आप बहुत लकी है, आपको इतनी मम्मी अच्छी मिली है। आगे इस माँ को, इसने बहुत सारे आंसू बहाए हैं, इसको जिंदगी में और आंसू नहीं बहाने देना। दुनिया में आपको पैसा, उधार के भाई बहन सब मिल जाएंगे, मगर असली जो माँ होती है वो कभी नहीं मिलती है। असली जो भाई होते हैं वो नहीं मिलते। मैंने भी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, आज तक अम्मा आशीर्वाद दिए। जिंदगी में बेटा तू आगे बहुत पर शादी भी करेगा तो इतना सोच लेना, फर्स्ट प्रेफरेंस इज योर मॉम, सेकंड प्रेफरेंस योर वाइफ, दोनों को बैलेंस करके चलना। जिंदगी में कहीं भी आपको हमारी जरूरत पड़े, वी आर ऑलवेज विद यू। गॉड ब्लेस यू बेटा। एक औरत होने के नाते उन्होंने रियलाइज किया कि ये मैडम ने इतने साल यहाँ पे काम किया है और क्या किया है वो तो मैं बोल नहीं सकती। लेकिन एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे मीन्स क्या? इंटरनेशनल त्यौहार कौन सा मनाया जाता है हमारे इंडिया में? कोई मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता। होली, दिवाली, दशहरा, गणपति, ये सब जितने भी त्यौहार हैं हम मनाते हैं क्या? हम ही मनाते हैं। इंटरनेशनली तो कुछ भी नहीं मनाते। या तो राष्ट्रीय उत्सव होते हैं या फिर हमारे अपने अपने होते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, या अपने अपने जात अनुसार मनाते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनली क्यों, कोई बता सकता है? नहीं। ये इंटरनेशनल इसलिए है क्योंकि जो वुमेन है, जो औरत है, इट इज़ द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान की सबसे बड़ी एक ये देन है जो पूरे संसार में एक ही है। पूरे संसार में औरत एक ही है। उसके रूप अलग है, उसके कलर अलग है, उसके रहने के स्थान अलग है। ये हर जगह पूरे संसार में औरत को सम्मान मिले, इसके लिए ये इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। यानी कि जितने, क्योंकि ये संसार ही चला है तो औरत से, औरत के बिना संसार नहीं था, जैसे ज्ञान सिंह जी ने बताया। लेकिन विवेकानंद जी ने जो किया वो हमारे लिए किया, हमारी अपनी जो औरतें हैं, हमारी हिंदुस्तानी औरतें जो हैं उनके सम्मान में। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है ये बात बोलने का
कि जो भी औरत है या लड़की है या बच्ची है या बड़ी औरत है या बुजुर्ग है, एक लड़की को अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां कब से शुरू करनी पड़ती है? जब वो छोटी होती है तो बेटी, उसके बाद वो पत्नी, उसके बाद वो माँ, उसके बाद वो सास, उसके बाद वो दादी भी बनती है। तो जब तक वो दादी बनती है तब तक वो अपनी जिम्मेदारी निभाती है, अच्छी तरह से निभाती है। क्योंकि मेरे स्कूल में मम्मियाँ नहीं छोड़ने आती थी, दादी छोड़ने आती थी। थोड़ी मुझे रियलाइज होता था कि दादियाँ भी कितने जिम्मेदारियाँ निभाती है। तो हमें जो महिलाओं का सम्मान हुआ उसके लिए मैं संस्था की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी मौजूद है किसी न किसी कार्य क्षेत्र में वो अपना बहुत ही अच्छा योगदान कर रहे हैं। ये बात सही है कि गृहिणियों को भी एक मौका मिलना चाहिए, उसी लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिन रहता है, क्योंकि आज मैं भी गृहिणी हूँ। इस बात से मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि हम जिस तरह से समाज में काम करते हैं तो हम घर में भी काम करते हैं। आज हम गृहिणी के साथ में ही समाज के साथ में काम कर रहे हैं, और वाकई में हर लेडीज़ के पीछे उसकी माँ का योगदान बड़ा होता है। उनका DNA, उनके संस्कार, वही सब चीज़ें हमारे में आती है और हम वो समाज को देते हैं। हर एक को चांस नहीं मिलता प्लेटफॉर्म तक आने के लिए, तो हर माँ ये चाहती है कि किसी भी बच्ची को हम किधर ना किधर वर्किंग करें, और सब माहें मिलकर मुझ जैसे छोटी सी शहर की बच्ची को वोट से आशीर्वाद देती है। कहीं पे डॉक्टर्स हैं, कहीं पे आज आप देखिए पायलट्स, आर्मी, ये भी एक महिलाओं का समूह उधर भी मौजूद है। तो पहले जिस तरह से एक लेडीज अगर काम करने निकले तो उनके लिए यहाँ तो टीचर्स का एक ड्यूटी रहती थी, या ज़्यादा से ज़्यादा मिडवाइफ, जिस तरह से नर्सिस है वो थी, आज हर फील्ड में लेडीज आगे हैं। मैं और एक बात बोलना चाहूँगी, हमारे पंतप्रधान, वो सबके हैं पंतप्रधान, तो जो हमारे भारत देश के पंतप्रधान हैं, उन्होंने एक ही संदेश सबसे पहला दिया है, स्वच्छ भारत, जिसके ऊपर हमें हर एक को काम करना है। हम क्या करते हैं, हम सुबह उठ के चिल्लाते हैं सफाई वाली नहीं आई, झाड़ू वाली नहीं आई, नगर सेवक क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। ठीक है, हमारी ड्यूटीज़ 20% है, मगर पब्लिक की ड्यूटी इसमें 80% है, ये बात आप मत भूलिए। जिस तरह से लेडी अपने किचन का कूड़ा बेडरूम में नहीं फेंकती, अपने बेडरूम का कूड़ा हॉल में नहीं फेंकती, झाड़ू लगा के चॉकलेट का रैपर तक जमा करके बाहर फेंकती है, तो आप जब तक अपना परिसर को अपना घर नहीं समझेंगे, अपने मोहल्ले को घर नहीं समझेंगे, अपने देश को घर नहीं समझेंगे, तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। हर एक को एक विचार करना है कि ये देश मेरा है, तभी हम इसे स्वच्छ रख पाएंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।